शुरू करें। चलें, कहाँ थे अपन पिछली बार, कहाँ तक पढ़ चुके थे? दो तरह के ग्रोथ होते हैं, कौन कौन? एक तो डिटरमिनेट, दूसरा क्या था? इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट किसे कहते हो बताओ? सीमित किसे कहेंगे? सीमित ग्रोथ किसे कहते हैं? कहाँ लगता है वो वेराइटी? खेत में। कहाँ लगते हैं? और इनडिटरमिनेट किसे कहते हो? स्टार्ट है, ठीक है, चलने दे। तो जो वेराइटी कहाँ लगते हैं? ग्रीन हाउस में, उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट। तो ये दो तरह के आपने कर दिया था। अंतिम सिरे पे पोस्ट में, इसमें स्टैकिंग सहारा किसमें दोगे बताओ? इसमें इनडिटरमिनेट में हम क्या देते हैं? सहारा देते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग किस में करते हैं? इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग नहीं करेंगे। अब ये जो पॉइंट कुछ है, इसको क्या मैंने करवाया था या नहीं? नहीं करवाया, देखता हूं क्या क्या है। देखो, आप कह रहा है कि इनडिटरमिनेट वेराइटी में ना ट्रेनिंग जो करते हैं सिंगल स्टेम। कौन सा ट्रेनिंग करोगे? सिंगल स्टेम। एक बार उधर हिंदी में लिख दूंगा, सेल्फ टॉपिंग या सेल्फ प्रूनिंग। पूछेगा सेल्फ प्रूनिंग किसमें करते हैं? टर्म रिलेटेड टू, ये ध्यान रखना, डिटरमिनेट ग्रोथ। अपने आप प्रूनिंग कौन करता है भाई? इनडिटरमिनेट में तो करते हैं, लेकिन अपने आप किसमें होता है? सेल्फ प्रूनिंग ये होता है किसमें? डिटरमिनेट में। किसमें होते हैं? डिटरमिनेट में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी लिख दूंगा। बाकी टोमेटो मेल स्टरिलिटी जो गवर्न गवर्न होता है वो सिंगल रिसेसिव जीन, एकल अप्रभावी जीन के कारण नर बंधता को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। टोमेटो जो सीड होते हैं, टमाटर के बीज अंकुरण को रोकने के लिए दो एसिड है, कौन कौन? एक कैफिक एसिड और एक फ्यूरेलिक एसिड। तीन चार पॉइंट अभी मैं आपको लिखा देता हूं। रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ लीफ वायरस, लीफ वायरस के अटैक को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? साइकोसिल। ऑप्टिमम टेम्परेचर राइपनिंग का कितना होना चाहिए फलों को पकने के लिए? इसका स्टोरेज टेम्परेचर पूछ रहा है 7 से 10। और ट्रांसजेनिक वेराइटी जिसमें जीन ट्रांसफर किया गया, वो कौन है? फ्लेवर सावर। कौन है? जिसका सेल्फ लाइफ क्या होता है? ज्यादा सेल्फ लाइफ। कौन सा कंपनी निकाला था ये भी आता है, कालजन कंपनी। तो तीन चार पॉइंट आपको जल्दी जल्दी लिखाना है, लिख देता हूं यहीं पे। देखो, सबसे पहले बताओ सेल्फ प्रूनिंग, स्व प्रूनिंग, स्व प्रूनिंग, अपने आप प्रूनिंग कौन करता है? सीमित। कौन सा किस्म करेगा? सीमित। किसमें करते हैं प्रूनिंग? करते हैं, अगर आ जाए किसमें प्रूनिंग करते हैं, तो प्रूनिंग करते हैं किसमें बताओ? ये करते हैं इनडिटर्मिनेट में, यानी असीमित में। किसमें करते हैं? असीमित। ये दो पॉइंट इंपोर्टेंट। दूसरा इंपोर्टेंट है बीजों के अंकुरण को, बीजों के अंकुरण को, अंकुरण को रोकने वाला रसायन, रोकने वाला रसायन। ये कौन कौन से रसायन है जो बीजों के अंकुरण को रोकते हैं, सीड जर्मिनेशन को? तो ये याद रखना, कैफिक एसिड, कैफिक, कैफिक अम्ल तथा फ्यू रेलिक अम्ल, फ्यू रोलिक या रेलिक, फ्यू रेलिक अम्ल। ये दो अम्ल है, या तो पूछ सकता है कि बताओ टमाटर के बीज में कौन सा दो अम्ल पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसजेनिक वेराइटी जो है वो नाम क्या है? फ्लेवर सावर। कौन सा है? फ्लेवर सावर। और ये वेराइटी कहाँ से विकसित किया गया है? बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। जिसका इमेज दिया होगा, ये नहीं दिया है ना, ऐसे आप समझो ग्रीन हाउस में। फ्लेवर सावर जो वेराइटी थे ना, उसके स्किन क्या होते हैं? मोटे होते हैं। छिलका क्या होता है? पहले के देसी टमाटर में छिलके क्या होते थे? पतले होते हैं। छिलके क्या होते थे? जिससे आसानी से वो फट जाता था। तो उसकी सेल्फ आयु क्या होंगे? स्वयं की आयु कम होते थे। अब इसकी आयु क्या होने लगा? ज्यादा। आपको ये ध्यान में रखना है, निम्नलिखित में से कौन इनडिटर्मिनेट वेराइटी है?
असीमित। कौन है? पूसा रूबी। बार बार पूछते हैं, पूसा रूबी कैसी वेराइटी है? इनडिटर्मिनेट। बेस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है, बेस्ट ऑफ ऑल। पूसा दिव्या, सीओक्स भी आया हुआ है। सीओक्स किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? सीओक्स। अर्का विकास, अर्का विकास वेस्ट ऑफ ऑल, वेस्ट ऑफ ऑल। जबकि ब्लैक ब्यूटी किसकी वेराइटी है बताओ? पूसा दिव्या, पूसा दिव्या ये इंपॉर्टेंट वेराइटी किसकी है? टमाटर की। पूसा रूबी, पूसा रूबी ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसका? टमाटर की। कहां लगाए जाएंगे पूसा रूबी बताओ? ग्रीन हाउस में। कहां लगाए जाते हैं? तो दो याद रख लेना, एक तो पूसा रूबी और एक सीओक्स। कौन? पूसा रूबी और सीओक्स। इसके वेराइटी बहुत है, टमाटर और वैगन में वेराइटी से लोग परेशान रहोगे। सारा याद मत करना। पूसा रूबी, पंजाब छुहारा ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है। पंजाब छुहारा पूछ लेगा किसका वेराइटी है, ये याद रखना। पूसा शीतल कम तापमान के लिए, यानी लो टेम्परेचर में उगाए जाने वाली वेराइटी कौन है? लो टेम्परेचर में। क्या नाम है? पूसा शीतल। क्या नाम है इसका? पूसा शीतल। पूसा उपहार प्रसंस्करण के लिए, पूसा उपहार ये वेराइटी है प्रोसेसिंग के लिए, चटनी उटनी बनाने के लिए किस वेराइटी का उपयोग करते हैं? पूसा। जैसे आम में केसर का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? पूसा एस, यानी सिलेक्शन 120 इसका नाम है। S120 कहे या इसका नाम क्या है? सिलेक्शन 120। तो ये है सूत्रकृमी निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी, निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी जिसका नाम क्या है? सिलेक्शन 120, सिलेक्शन 120 ये लिखा हुआ है। देखो पूसा H1 अधिक तापमान वाले क्षेत्र, हाई टेम्परेचर पे लगाए जाने वाला कौन है? H1। तो इसको ऐसे ध्यान रखोगे, पूसा H1, H का मतलब हाई टेम्परेचर, H का मतलब हाई टेम्परेचर। पूसा शीतल कहाँ लगाया जाता है बताओ? लो टेम्परेचर पे पूसा शीतल। उपहार किसके लिए है? प्रोसेसिंग के लिए। सिलेक्शन 120 किसके लिए है? निमेटोड रेसिस्टेंट। सदाबहार, नाम से ही है सदाबहार, दोनों मौसम में लगाए जाने वाले गर्मी ठंड दोनों जगह कौन है? सदाबहार। पूसा रूबी किसका क्रॉस है ये भी पूछा है? सीएक्स और इम्प्रूव्ड मारुति कहते हैं, हालांकि मारुति लिखा हुआ है तो इम्प्रूव्ड मारुति के बीच। पूसा अर्ली ड्वार्फ इसका क्रॉस भी आते हैं, तो ये ध्यान रखना पूसा अर्ली ड्वार्फ किसका किसका क्रॉस है? इम्प्रूव्ड मारुति एंड रेड क्लाउड के बीच का क्रॉस, ये दोनों क्रॉस आप लिखना। पूसा रूबी किसका क्रॉस है और पूसा अर्ली ड्वार्फ किसका क्रॉस है, एक याद रखना। पूसा रूबी ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीओक्स एंड इम्प्रूव्ड मारुति या मारुति, ठीक है? ये दोनों का क्रॉस आपको ध्यान में रखना है। सीओक्स किसकी वैरायटी है तो भी आ जाए तो आपको करना है ये। चले आ गया अन्य किस्म में अगर देखा जाए तो क्या है? एक फ्लेवर सावर, अभी आपने देखा कालजन कंपनी से निकाला गया, कौन सी वैरायटी है बताओ? कौन सा वैरायटी निकाला गया था? अरे यार ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लेवर सावर, क्या नाम था उसका? फ्लेवर सावर। तो ये इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी से पूछेगा कि कौन सा वेराइटी विकसित किया गया है। फ्लेवर सावर ये वेराइटी है, इसके छिलके का जो डेवलप किया गया है, डेवलप्ड थ्रू किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये विकसित किया गया है। कंपनी का नाम आपको आ जाएगा तो ये कालजन कंपनी, ये याद रखना, यूएसए की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? यूएसए। लॉन्ग क्रीपर, नाम से ही पता है लॉन्ग क्रीपर, यानी पकती नहीं अर्थात लाल रंग नहीं होता है परिपक्व होने पे, परंतु परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्रीपर का भी सेल्फ लाइफ क्या होगा? ज्यादा। खुद की आयु इसकी क्या होते हैं? अधिक। किसका? लॉन्ग क्रीपर। नई वेराइटी है जिसका नाम क्या है? पूसा रोहिणी। तो पूसा रोहिणी न्यू वेराइटी, पूसा रोहिणी न्यू वेराइटी।
इसमें तीनों जो वैरायटी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं फ्लेवर सावर का। बताओ सियोक्स किसकी वैरायटी है? टमाटर की। इम्प्रूव्ड लाल मूरी मिरुती पूछा जाए तो भी किसकी है? टमाटर की। पूसा रूबी किसकी वैरायटी है? टमाटर। एक दो बार पढ़ोगे तभी याद होंगे, वैरायटी में क्या कर सकता है टीचर। और सारे वैरायटी याद मत करो, जैसे ये तो टीचर का काम होता है एक बार बोल देना, आपका काम पूरा रटना नहीं है, छोड़ देना। ट्रेवलर ये होते हैं वैरायटी, कैसा है? कलरलेस। कैसी वैरायटी है ये? कलरलेस। रेड बुश अधिक लाइकोपीन के कारण अधिक लाल होता है, इसमें लाइकोपीन कंटेंट ज्यादा होता है, लाइकोपीन इसमें क्या होगा? ज्यादा। रेड बुश। सिवरियानिन ये बीज रहित, सीडलेस, सीडलेस वैरायटी। केटी फोर सर्वाधिक अम्लता, इसमें एसिडिटी क्या है? ज्यादा। एसिडिटी टमाटर में किसके कारण होते हैं? सिट्रिक एसिड के कारण। पूसा दिव्या पहले भी पढ़ चुके हैं, पूसा दिव्या नरबंधता द्वारा विकसित, यानी कि डेवलप्ड बाय मेल स्टरिलिटी, मेल स्टेराइल लाइन द्वारा ये क्या किया गया है? विकसित किया गया है। हिसार अरुणा अत्यधिक अगेती किस्म है, सबसे अगेती किस्म कौन है? अरुणा। पूसा दिव्या मेल स्टरिलिटी के द्वारा विकसित, केटी फोर में सर्वाधिक एसिडिटी, सिवरियानिन में सीडलेस वैरायटी, रेड बुश नाम ही है रेड, लाल होगा किसके कारण? अधिक लाइकोपीन के कारण। किसके कारण है? और है कुछ वैरायटी जरा देखें इसमें से। अर्का विकास, तो अर्का जो विकास है ये है सूखे क्षेत्र के लिए, और ये वैरायटी भी इंपॉर्टेंट बनता है राजस्थान के लिए, क्योंकि ड्राई एरिया होते हैं, ड्राई एरिया के लिए कौन सा वैरायटी लगाया जाए, तो ये ध्यान रखोगे कौन है? अर्का विकास, ध्यान रखना अर्का विकास। जबकि पूसा विकास किसकी वैरायटी है? टमाटर की। किसकी है? अर्का मेघाली, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, किसका है? वर्षा आधारित। अर्का मेघाली किसका है? वर्षा आधारित, यानी कि रेन जहां ज्यादा होगा, रेनफॉल जहां ज्यादा होते हैं वहां के लिए इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन है? मेघाली। मेघाली का मतलब ही हो, क्या होता है? वर्षा। पूसा मेघाली किसकी वैरायटी है? गाजर की। किसकी है? गाजर। मरुधान अपूसा लाल मिरुति, ये इंपॉर्टेंट, मारुति नहीं याद रखेंगे, मिरुति, ये है म्यूटेंट वैरायटी। कैसा है? म्यूटेंट। बाकी रूपाली है, फायर बॉल है, पंजाब केसरी है, वसुंधरा है, मार ग्लोब है, अर्का विशाल है, अर्का अभिजीत है, अर्का सौरभ। टमाटर की बहुत सारे वैरायटी, टमाटर के इंडिया में कम से कम तो वैरायटी 500 से ज्यादा होंगे, तो सब पढ़ोगे तो बस टमाटर ही पढ़ते रहना। ये सब फालतू लगते हैं पढ़ाना रे, बोरिंग एकदम। वैरायटी इंपॉर्टेंट वैरायटी और है, देखो इनडिटर्मिनेट वैरायटी, असीमित वैरायटी, ये याद रखना असीमित। अभी मैं स्टार लगाऊंगा 5-10 पे बस, असीमित। पूसा रूबी आते हैं, इसको आपको दो तीन बार बोल दिया, ग्रीन हाउस में लगाए जाते हैं। सियोक्स याद रखना, ये दो पे स्टार, बेस्ट ऑफ ऑल, ये तीन वैरायटी ध्यान रखेंगे जो ग्रीन हाउस में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाया जाता है? ग्रीन हाउस। हाई बीटा कैरोटीन वैरायटी कौन है? कैरो रिच। तो नाम से ही पता है, कैरो का मतलब कैरोटीन, रिच वैरायटी का नाम ही क्या है? कैरो रिच, जिसमें बीटा कैरोटीन क्या है? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? कैरो रिच। क्या नाम है? कैरो रिच। कैरो रिच का मतलब कैरोटीन क्या है इसमें? ज्यादा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैरो रिच। अब हम फंगल डिजीज की बात करें कुछ, वो कौन है? अर्ली ब्लाइट, यानी कि इसे हम कॉलर रॉट के नाम से जानते हैं। और बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल विल्ट, जो किससे होता है? सुडोमोनास से। किससे होते हैं? सुडोमोनास से। ये देखो बैक्टीरियल विल्ट है, विल्ट का मतलब क्या होता है? सूखना। और ये किससे हो रहे हैं? अर्ली ब्लाइट। ये क्या है? अर्ली ब्लाइट, जो आलू में भी आपने पढ़ा था इसको, अर्ली वायरल में। इसका दो इंपॉर्टेंट है जो विषाणु के द्वारा होते हैं, वो आपको याद रखना, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट, ये इंपॉर्टेंट। और इसका वाहक पूछा गया है कौन है? थ्रिप्स। कौन है? और लीफ कर्ल का वायरस का वाहक कौन है? व्हाइट फ्लाई। कौन है? व्हाइट फ्लाई, ये पत्तियों का मुड़ना, ये क्या कहलाएगा? लीफ कर्ल।
और इस तरह के टमाटर हो जाए तो वो कहलाता स्पॉटेड वायरस। क्या वायरस है? लग रहा है ना स्पॉट और स्पॉट धब्बा धब्बा के जैसा, तो उसको हम बोलेंगे स्पॉटेड वायरस। तो ये पूछा गया है अभी एओ वाले जो एग्जाम थे ना, इसका वाहक कौन है? थ्रिप्स। और कर्ल का वाहक कौन है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। अब टमाटर में जो पहले पढ़ा चुका हूं डिसऑर्डर में, उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या है बताओ? लीफ कर्ल, अभी आपने बोला पत्तियों का मुड़ जाना किसके कारण? वायरस के कारण होंगे। और इसका वाहक कौन होगा बताओ? व्हाइट फ्लाई। कौन होगा? व्हाइट फ्लाई। अगला है ये पत्ती का मुड़ जाना जो क्या कहला रहा है? लीफ कर्ल। अगला है बैक्टीरियल ब्लाइट, तो बैक्टीरियल ब्लाइट किसके कारण होगा? नाम ही है जीवाणु के द्वारा। इसके लिए कंट्रोल में स्ट्रिप्टोमाइसिन, एग्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सीन सीन लगा रहे वो सब उपयोग करेंगे इसके कंट्रोल के लिए। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट, इस तरह से सूख जाएंगे सारे प्लांट। नेक्स्ट है आपका आद्र गलन, जहां नर्सरी लगेंगे वहां पे ये लगेगा। आद्र गलन किसके कारण होंगे? कवक के कारण। कवक का नाम क्या है? पीथियम एफेनी डरमेटम। तो ये कवक के कारण अचानक क्या हो जाएगा ये? और ये जो कवक कहाँ होंगे? सॉइल में। कहाँ होंगे? सॉइल में। तो ये कैसा डिजीज है? सॉइल बॉर्न डिजीज। कैसा है? सॉइल। रूट नॉट निमेटोड, इसमें एक निमेटोड होगा जिसका नाम क्या है? मिलेडोगाइने। क्या होगा ये? तो ये सारे अपन कर चुके हैं पहले डिजीज और डिसऑर्डर में। ये ऐसे रिवीजन के तौर पे एक बार आपकी नजरों से गुजार देता हूं कि रूट नॉट ये है, जड़ों में गांठ हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा पानी का, खनिज का एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे तो प्लांट सूख जाएंगे। अब टमाटर के डिसऑर्डर की बात करें तो मैं बता चुका हूं फलों का फटना, दो तरह के फल फटते हैं। एक तो ऐसे रिंग बना, ऐसे रेडियस बना के फटेंगे जिसको बोलते हैं रेडिकली। क्या बोलते हो? रेडिकली। ज्यादा टमाटर कैसा फटता है? रेडिकली। और किसके कमी के कारण फटेंगे? बोरॉन। और बोरॉन के नियंत्रण के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? बोरेक्स। क्या डाल दोगे? बोरेक्स। अगला है ब्लोजम इन रॉट, तो ब्लोजम इन रॉट किसके कारण होते हैं बताओ? तो ये होते हैं कैल्शियम के कमी के कारण। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? मिर्च में, टमाटर में, और कहाँ? तरबूज में, यानी चिली में, टोमेटो में और वाटरमेलन में आपको देखने को मिलेगा क्या? ब्लोजम इन रॉट। अंतिम जो भाग है वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। नाम से ही पता है ब्लोजम का मतलब होता है फूल, फूल से क्या बनेंगे? फल। और इसका अंतिम भाग क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, उसे हम बोलते हैं ब्लोजम इन रॉट। ये कहलाता है पफिनेस। पफिनेस का मतलब पॉकेट लाइक संरचना। क्या कहलाएगा? पफिनेस, जो किसमें होते हैं? टमाटर में। ये होगा आपको लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के कमी के कारण अधिक तापमान या कम तापमान पे ये होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, कैसा संरचना बन रहा है बताओ? पॉकेट लाइक संरचना। क्या कहलाएगा? पफिनेस। अगला है कैट फेस, बिल्ली के जैसा मुंह हो जाना। क्या है? कैट फेस। अनफेवरेबल जब क्लाइमेट होंगे, जैसे कि टेम्परेचर इसको 24 से 28 डिग्री मिलना चाहिए, 35 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर मिल रहे हैं, और या तो बहुत कम टेम्परेचर मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल, यानी इसके लाइक क्लाइमेट नहीं है, तब ये कैसा हो जाएगा? कैट फेस। तो ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, पहली बार कहाँ पढ़ा चुका हूं? डिजीज और डिसऑर्डर। जान के लाता हूं कि एक बार, चलो आपको इसी बहाने रिवीजन हो जाए। ब्लोचिंग राइपनिंग, ये किसके कारण होता है? पोटास की कमी के कारण, इस तरह के ब्लोचिंग राइपनिंग। एक इसमें छूट गया होगा डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया था, सिल्वरिंग। क्या बताया था बताओ? सिल्वरिंग, यानी सिल्वर जैसा, ऐसे चमकीला लगे सिल्वर के जैसा। तो ये तो किसके कारण हो गया? अधिक टेम्परेचर के कारण। सिल्वरिंग भी किसका डिसऑर्डर है बताओ? वो भी किसका है? टमाटर का। किसका है? टमाटर का। अगला है गोल्डन फ्लैग, दूर से देखने में लग रहा है कि सोना का ऐसा कोई रखा हुआ है गट्टी, इसको बेच दे तुम तो सोने के भाव बिक जाएंगे, अभी 50 रुपये, 50,000 रुपये तोला, यही कीमत है क्या? नहीं पता, अपने तो काम उम पड़ते नहीं है, इन सब लड़कियों के काम पड़ते होंगे सोना उना। चले ये हो गए आपको। एक बार मैं पीछे से जा रहा हूं, कहां? आगे की ओर। 42 स्लाइड है और वक्त लगाऊंगा 10 मिनट, पूरी रिवीजन एक बार, ठीक है? कहां से जा रहा हूं? पीछे से आगे की ओर। आप देखते रहो। गोल्डन फ्लैग किससे होते हैं बताओ? एक बीमार, एक विकार है
जो अधिक टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, पीला पीला गोल्डन फ्लैग। सन स्केल्ड क्या होता है, सन का मतलब सूर्य के कारण जलना, और सिल्वरिंग भी एक डिसऑर्डर है, ऐसा सिल्वर सिल्वर के जैसा, चांदी के जैसा सिल्वरिंग। ब्लॉचिंग राइपनिंग किसके कारण, पोटास की कमी के कारण। कैट फेस किसके कारण, बिल्ली के जैसा मुंह हो जाना कैट फेस। पफिनेस पॉकेट लाइक संरचना क्या होगा, पफिनेस। ब्लूजम इन रॉट कैल्शियम की कमी के कारण, मिर्च में होंगे, टमाटर में होगा और तरबूज में होगा। फलों का फटना किसके कारण, बोरोन की कमी के कारण। सबसे ज्यादा फल कैसे फटते हैं, रेडिकली। अब ये टमाटर का विकार जो था, जड़ गांठ सूत्र कृमि रूट नॉट निमेटोड, जिसका स्पीसीज होगा मिलेडोगाइने। क्या होगा, मिलेडोगाइने। आद्र गलन जानते हो, डैम्पिंग ऑफ किसके कारण, पिथियम एफेनेडर्मेटम के कारण। बैक्टीरियल ब्लाइट यानी प्लांट ऐसे सूख जाएंगे बैक्टीरिया के कारण। चले आगे, लीफ कर्ल इंपॉर्टेंट है। लीफ कर्ल किससे, वायरस से होंगे, और वायरस का नाम आपको किससे वाहक है वो याद होना चाहिए, व्हाइट फ्लाई। कौन सा है, व्हाइट फ्लाई, तो ये इंपॉर्टेंट। अगला आपको मैंने बताया था स्पॉटेड लीफ वायरस, टोमेटो वायरस, तो वो जाते हैं थ्रिप्स से। किससे, थ्रिप्स से। ये टमाटर पे कैसा स्पॉट लाइक ऐसे ऐसे धब्बा हो जाए, तो वो स्पॉटेड वायरस, तो वो है वाहक उसका थ्रिप्स। ये लिखा हुआ है, ये दोनों वायरस इंपॉर्टेंट है, आते हैं प्रश्न में। अर्ली ब्लाइट भी होगा इसमें, तो किससे होते हैं, कवक से। किससे होगा, कवक। इंपॉर्टेंट वेराइटी की बात करें जो इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट में कैसा, असीमित ग्रोथ है, जिसमें प्रूनिंग आप करोगे, लगाया कहाँ जाएगा, ग्रीन हाउस में। पूसा रूबी है, सियोक्स है, मार्ग्लोब है, और बेस्ट ऑफ लॉ ऑल है, जो किसका वेराइटी है, इनडिटर्मिनेट। हाई बीटा कैरोटीन वेराइटी की नाम लिया जाए तो कैरोरिच। कौन है बताओ, कैरोरिच। अर्का विकास वेराइटी है, जो सूखे क्षेत्रों में लगाया जाता है, जबकि अर्का मेघाली है, जो वर्षा वाली क्षेत्र में लगाया जाएगा। नाम से ही पता है, अर्का मेघाली। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा पूसा मेघाली की, तो पूसा मेघाली किसकी वेराइटी है बताओ। अरे बंद तो कर रहे, ये फोन आके परेशान कर दो। मरुधान और पूसा लाल मिर्ती कैसी वेराइटी है बताओ, म्यूटेंट वेराइटी है। कैसा है, म्यूटेंट। इधर से आपको कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे लिए अगर पढ़ना है ना तो एक पढ़ लेना, सौरभ ये पूछ लेता है। कौन सी वेराइटी, सौरभ। ये अर्का सौरभ हो गया, अर्का विकास हो गया, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसका, टमाटर का। हालांकि एक टीचर को इस तरह से पढ़ देना बड़ा ईजी है, स्लाइड ऐसे लिखा हुआ है, हम बस रीड कर रहे हैं। अगर सच में मुझसे भी पूछो तो याद नहीं है, हकीकत बात बताओ। अब आपके लिए कितनी चैलेंज की बात है, सारे वेराइटी। अभी टमाटर पढ़ के आई हो, उधर दिनेश सर कुछ गेहूं मक्का पढ़ा दिए होंगे, उसके इतने सारे वेराइटी। अंकित सर उधर नस्लों में ताप दिए होंगे, कुछ कुछ उधर भेड़ की नस्लें, भैंस की नस्लें, तो एक बार कष्ट तो है। फिर नौकरी उकरी लगने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है पंजाब केसरी किसकी वेराइटी, फिर तो साहेब बन जाओगे, नवाब बनोगे। दूसरा कोई पूछ भी लेगा तो मुंह पे बोलो तुम मेरे ज्यादा ज्ञानी है, तो नौकरी क्यों नहीं लगा, ले बेचारा शांत हो जाएगा। आज सबसे सरल है ना, एक पढ़े लिखे इंसान जिसके पास नौकरी है वो खाली एक शब्द बोल दे, बड़ा ज्ञानी है तो नौकरी क्यों नहीं लगा, वो सामने वाला पूछेगा ही नहीं, कुछ शांत रहेगा, तो इसलिए ठीक है। तो ऐसे जो टीचर पढ़ा देते हैं वो बड़ा ज्ञानी नहीं है, उसको बोल के सर स्लाइड ढक करके आप बोलो ना, मैं तो सीधा इंसान हूं, बता देता हूं, नहीं याद है। और किसी को इतना याद नहीं होते हैं, कितने सारे चीज आप याद करोगे। एक क्रॉप से 50 वेराइटी है, तो हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी मिला के, औषधीय मिला, फूलों मिला के 100 क्रॉप पढ़ते हैं। 100 × 50 कर तो 50,000 वेराइटी, 5,000 वेराइटी। और इनकी कैरेक्टर कौन, हवा के प्रति प्रतिरोध है, किसमें छोड़ नहीं है, लीफ कर्ल के लिए रेसिस्टेंट है, कौन बैक्टीरिया के लिए रेसिस्टेंट है, कौन जलमग्न क्रांति में है, होते हैं ना वाटर लॉगिंग कंडीशन में, कौन लवण प्रतिरोध है, उसकी कैरेक्टर भी तो याद रखना है। अगर एक वेराइटी का 2 शब्द भी याद किए तो 10,000 शब्द याद रखना है आपको वेराइटी में। और क्वेश्चन बनते हैं इससे कितने, हॉर्टिकल्चर की बात करूं 2 प्रश्न, 2 ही बनते हैं ना। तो इससे अच्छा अगर ना एक एक लाइन ऐसे लिख दे ना, तो 1,000 शब्दों में हॉर्टिकल्चर समाप्त हो जाए। लास्ट में देखना, 500-500 का 2 वीडियो लाऊंगा, 1 लाइन वाले, 2 वीडियो 1 लाइन वाले, 500-500 का, तो 2-3 घंटे लगते हैं 500 में, 6 घंटे में पूरी होती,
तो वही पढ़ फालतू ये क्यों? पर ये हम पढ़ते हैं इसलिए कि जॉब के बाद भी तुझे काम है, ठीक है? तो एक बार वैरायटी ऐसे पढ़ लेना, रटना नहीं है। एक दो बार ऐसे आप देख दिव्या, दो चार बार बोल दोगे तो अपने आप बाद में दिमाग में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। अरे यार दिव्या कहाँ, अंकित जी बोल रहे थे या दिनेश सर या हरिराम सर, दिव्या दिव्या। तो वो लगेगा कि अरे लड़कियों के नाम ज्यादा हरिराम सर ही बोलते हैं यार, तो वो आ जाएगा कि हॉर्टिकल्चर में चल रहा था। ठीक है चले आगे। फ्लेवर सावर इंपोर्टेंट वेराइटी है। लॉन्ग क्रीपर के लिए बता दिया, क्रीपर इसका मतलब कि लाल रंग इसके जल्दी नहीं आते। पूसा रोहिणी इंपोर्टेंट वेराइटी है। यहां से शीतल ठंडे प्रदेश के लिए, उपहार प्रसंस्करण के लिए, एस 120 सिलेक्शन 120 सूत्रकृमि रेसिस्टेंट है। पूसा रूबी किसके किसके क्रॉस है, सियोक्स और इंप्रूव्ड मेरुति के बीच है। पूसा अर्ली ड्वार्फ किसका है, इंप्रूव्ड मेरुति और रेड क्लाउड के बीच का क्रॉस है। असीमित में पूसा रूबी बेस्ट ऑफ ऑल दिव्या सियोक्स विकास, ये इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने बताया स्व प्रूनिंग किसमें किया जाता है, सीमित वाले वेराइटी में। किसमें सीमित प्रूनिंग किसमें करते हैं हम, इनडिटर्मिनेट में। किसमें तुझे रस्सी उसे बांधना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेट। बीजों के अंकुरण को कौन सा केमिकल रोकता है, तो कैफिक और फ्यूरिलिक अम्ल। और फ्लेवर सावर कौन सी कंपनी से निकाला गया था, कैलजन कंपनी। कहां की कंपनी है, यूएसए की। कहां की है, ये इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट मैंने आपको बताया था दो तरह के। ग्रीन हाउस में लगाए जाने वाला कौन से वेराइटी है, इनडिटर्मिनेट। अंतिम सिरे पे पुष्प नहीं आएंगे, ये सारे चीज इंग्लिश में मैं करवा चुका हूं पहले की क्लास में, कि ये ग्रीन हाउस में लगाएंगे, ग्रीन हाउस में। इसमें नो टर्मिनल फ्लावर, नो टर्मिनल फ्लावर का मतलब माथे पे इसके फूल नहीं आएंगे। और इसमें क्या करोगे, प्रूनिंग, और क्या करोगे, ट्रेनिंग। और इसका यील्ड क्या होगा, ज्यादा। उपज क्या होंगे इसमें, देखो कितने टमाटर लगे हुए हैं, तो इसमें यील्ड ज्यादा होगा। अभी ये देसी टमाटर लगे हुए हैं, इसमें अपने आप प्रूनिंग होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ प्रूनिंग। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ प्रूनिंग। किसमें होता है बताओ, या किसकी विशेषताएं है, डिटर्मिनेट की। और इसके माथे पे ही क्या आ जाएगा, फूल, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर, क्या बोलोगे। और इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं करते हैं। एक ऐसा वेराइटी मैंने यहां से बताया था जो सॉल्ट रेसिस्टेंट होना चाहिए, वो कौन याद किया था, चेस माने, सोलेनम चेस माने, ये याद रहेंगे ना, सोलेनम चेस माने। ये कैसा है बताओ, क्लाइमेट्रिक, और जलवायु कैसा होगा, ट्रॉपिकल। फूलों को गिरने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हो, 2,4-D। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, GA3। और सीड सीड की उपज कितना होता है, 100 से 120, कितना होंगे, 100 से 120। सिट्रिक एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.3। पुष्प क्रम क्या होता है इसका, रेसिमोज। और फल प्रकार की बात करें तो वो क्या था, बेरी। कैसी है, बेरी। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात किया आपसे कि ये कहलाता है एंटी कैंसरस एक्टिविटी, किसमें पाया जाता है, लाइकोपीन में। दूसरा इंपॉर्टेंट बोला, रिचेस्ट सोर्स है किसका, लाइकोपीन का। किसी भी फलों और सब्जियों में सबसे ज्यादा लाइकोपीन किसमें है, टमाटर में। लाइकोपीन कंटेंट कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसका पीएच का मान मैंने बोला था कितना, 4 से 5। और लाइकोपीन कैसा वर्क करेगा, एंटीऑक्सीडेंट, बता चुका हूं। टोमाटीन क्या है, एक केमिकल है जो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाए जाते हैं। फलों की एरोमा किसके कारण आता है, सल्फोनियम के कारण, किसके कारण, सल्फोनियम। और एसिडिटी किसके कारण है बताओ, सिट्रिक एसिड। तो कम से कम जो जो अंडरलाइन किया हुआ है, यही पॉइंट तो मैंने आपको समझाया था, लिखाया भी है। अगला, ग्रोइंग स्टेट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं टमाटर, आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ था, चाइना में। सीड कंटेंट कितना प्रतिशत तेल है, 24%। पिगमेंट की बात किया था तो लाल रंग किसके कारण है, लाइकोपीन। येलो कलर किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड। और टेंजरीन दोनों के बीच वाले किसके कारण था, प्रोलाइकोपीन, किसके कारण है, प्रोलाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन का निर्माण बंद हो जाएगा कब, जब टेम्परेचर 30 डिग्री। और ये कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। स्व परागण होता है इसमें, कौन सा पोलिनेशन होंगे, सेल्फ पोलिनेशन, किसके कारण होगा, चेस्मोगेमी। और विटामिन का क्या है, ए और सी का अच्छा स्रोत है, ए भी रहे सी भी रहे, बोथ रहे तो क्या टिक करोगे, बोथ। और ऐसा रहे ए सी बी डी तो क्या टिक करेंगे, ए। ब्लोचिंग राइपनिंग किसके कमी के कारण होते हैं, पोटास के कमी के कारण।
लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन। उपनाम क्या है? गरीबों का संतरा, बिलायती बैगन, वुल्फ एप्पल। इंग्लैंड में इसे लव एप्पल कहते हैं। लाइकोपीन का सबसे अच्छा निर्माण किस टेम्परेचर पे होगा? 21 से 24 डिग्री के टेम्परेचर पे इसका सबसे अच्छा निर्माण होते हैं। अब हम बात करें टमाटर का बोटनिकल नेम तो सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन। ओरिजिन की बात करें तो अमेरिका, पुअरमैन ऑरेंज कहा जाता है, लव ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। और 33% एरिया जो है पूरे देश में वो कौन सी वेराइटी लगाया गया है? हाइब्रिड वेराइटी। कौन सी वेराइटी है? हाइब्रिड वेराइटी। तो ये हो गए आपके टमाटर का कंप्लीट रिविजन भी और कंप्लीट सिलेबस। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। अब जो आपकी क्लास होंगे वो होंगे दशहरा के बाद। कल नवरात्रा, परसों दशहरा, तो 2 दिन आपकी क्लास नहीं होंगे। 9वीं और 10वीं मिलेंगे आपके साथ अब 10वीं के बाद, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे सर ये चीजें अगर कल आप बताते तो आज शायद मैं आपको दर्शन ही नहीं देता। ये आ रहा होगा मस्तिष्क में, आपके जो नोट्स नहीं बने हुए हैं ना वो पूरा करो। सबसे देख, घर उड़ कभी 3 साल के बाद मैं घर जाऊंगा, यकीन कर। कितने 2019 के बाद घर नहीं गया, वो भी मन कर रहा था अरे रहने दो, लेकिन अब क्या लगता है मम्मी उम्मी कहीं साफ ना हो जाए बेचारी। एक बार देख उख के आना पड़े भाई ऐसा। तो अरे देख मरना उरना सबको है, मैं जाते जाते मैं ही मर जाऊं, इसलिए ऐसे डरना नहीं सर, मरना सबको मरना, ये सत्य बात है। बूढ़ी होती जा रही है बेचारा, पापा बूढ़े हो रहे हैं, तो एक बार देख लाता हूँ, इतने दूर मैं आ गया हूँ। मेरी मम्मी हमेशा रोती है, जानते हो कि हम राजस्थान में है, उससे फोन करने इसलिए महीने में मैं बात करता हूँ, और रोने लगती है कि जॉब छोड़ के तू फालतू इतना दूर चला गया। मेरे भैया की पोस्टिंग निकट हो गई, 20 किलोमीटर दूर है मेरे घर से भैया का, तो वो आते जाते रहते हैं, मैं इतना दूर चला गया। छोटा बेटा जानते हो कि माँ के प्यारा होते हैं ना। अब बड़ा बेटा किसके होते हैं? बाप के है। तो मैं छोटा हूं तो थोड़ा मम्मी को लगते हैं, इसलिए देख दख के आ जाऊं। आपको जो ये टाइम मिला है इसका उपयोग करें। क्या करोगे नवरात्रम कुछ होते नहीं, इतना अच्छा गरबा देख लेते हो शाम को। अरे गाँव में भी जाके वही देखना है जो यहाँ देख रहे हो, गरबा ही तो देखना, और क्या कुछ विशेष खास बात तो है नहीं। तो आप इसका सदुपयोग करेंगे, ठीक नरेंद्र भैया। नोट्स बनाएंगे और आपकी क्लास जो रात वाले हैं वो भी अब शुरू होंगे कब? नवरात्रि के बाद, ठीक है। चले सबको।